अब बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ तो मैंने आपको समझा दिया, चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी जो है वो देख करके कहता है अरे कितना बेकार सा काम है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। जब आप पूरी बुक जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उसको दूर फेंक देते हैं, ये उसका मानना है। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन वाला जो जो हमारी वो है टेलीविजन स्क्रीन है उसमें तो बहुत सारी कई मिलियन जो है बुक्स हैं और उसमें जो है और भी कामों के लिए वो टेलीविजन स्क्रीन अच्छी है और हम उसको जो है दूर नहीं फेंकते हैं। सेम विद माइंड सेट मार्गी, मार्गी कहती है यही मेरे साथ भी है। शी वॉज 11, मार्गी जो है वो 11 साल की है एंड हैडन्ट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी कि टॉमी देख चुका है। और ही वॉज 13, और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, वो कहता है मेरे घर पर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे ही जो है हाथ करके इशारा करा, पॉइंट आउट करके इशारा करा, इन द एटिक व्हाट्स इट अबाउट। और एटिक पर देखिए, एटिक क्या होता है बच्चों, जो आपके कमरे में टांड होती है ना छत के नीचे, वहाँ पर व्हाट इट्स अबाउट, ये किसके बारे में है, वो कहता है स्कूल। अब बच्चों इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि हाउ मैनी बुक्स हैड देयर टेलीविजन स्क्रीन, उनकी टेलीविजन स्क्रीन में कितनी बुक्स हैं। अ मिलियन बुक, डिड दे थ्रो इट अवे, नो। वो क्या वो उसको फेंक देते अपनी टेलीविजन स्क्रीन को, नो। हाउ ओल्ड इज मार्गी, 11। हाउ ओल्ड इज टॉमी, 13 ईयर्स। वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक, इन हिज हाउस। एट विच प्लेस ही फाउंड द बुक, किस जगह पर उसको बुक मिली, बिलो द रूफ यानी कि इन द एटिक। वॉट इज द बुक ऑल अबाउट, आंसर क्या बनेगा, स्कूल। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव करते हैं हम लोग। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो ना सुनकर के जो है मार्गी जो है उस समय पर बड़ी मतलब तिरस्कार से भरी हुई होती है, बिल्कुल ऐसे शो करती है कि बिल्कुल आप वर्थलेस से हो, बिल्कुल बेकार हो। स्कूल, क्या स्कूल के बारे में भी कुछ लिखने के लिए बनता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से सख्त नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को तो हमेशा से स्कूल से नफरत है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो स्कूल को जो है पहले से भी बहुत ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर जो उसका है वो उसको बार बार लगातार जो है टेस्ट पे टेस्ट देता रहता है ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और वो बहुत ज़्यादा खराब और ख़राब जो है करती चली जाती है, बुरा करती चली जाती है, जब तक कि उसकी माँ जो है दुख के से जो है उसका सिर हिलाती नहीं है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको जो है काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजती है। अब बच्चों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाउ वॉज मार्गी, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। डिड शी लाइक स्कूल, नो शी हेटेड स्कूल। इन विच सब्जेक्ट शी हैज़ गिवन टेस्ट आफ्टर टेस्ट, किस सब्जेक्ट में उसको बार बार टेस्ट मिलते हैं, ज्योग्राफी। वॉज शी डूइंग वेल, नो। वेयर वॉज शी सेंट फॉर, शी वॉज सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो छोटा सा गोलमोल सा आदमी है जिसका लाल सा चेहरा है और उसके पास में पूरा जो है औजारों से और तारों से भरा हुआ एक बॉक्स है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराता और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उसके टीचर को अलग ले जाता है, यानी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन जो उसकी मैकेनिकल टीचर उसको लेकर के जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। अब मार्गी ने तो ये सोचा था, वो ये सोच रही थी कि ये जानता नहीं है कि इसको दोबारा से कैसे रीअसेंबल किया जाएगा, इसको कैसे दोबारा से एक साथ इकट्ठा करके दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन वो इस सबको जानता था, उसे जो है उसे ठीक करना आता था। और एक घंटे के बाद वो वापस से जो है बड़ा सा ब्लैक स्क्रीन वाला भद्दा सा जो है हो करके तैयार हो गया। एक बड़ा सा उस पर स्क्रीन थी जिसपे जो है सारे जो है पढ़ाई के काम और सारे लेसन और सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे थे।
दैट वॉजेंट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. और जो सबसे बुरा पार्ट जो है उसको लगता था उस कंप्यूटर स्क्रीन का, वो था जहाँ पर जो है वो वाला एरिया था जिसमें कि उसको सारा होमवर्क देना पड़ता था और अपने जो टेस्ट के पेपर्स रखने पड़ते थे, टेस्ट के पेपर वहाँ पर रखने पड़ते थे उसको. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम. और उसको जो है ना वो सब कुछ जो है कोड लैंग्वेज में लिखना पड़ता था जो उसको जब वो 6 साल की थी उसको पढ़ना लिखना सिखाया गया था. और उसका जो है मैकेनिकल टीचर था वो बिना किसी समय लगाए जो है उसके नंबर कैलकुलेट करके बता देता था द इंस्पेक्टर. अब बच्चों यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे इस पैराग्राफ से, हाउ वॉज द काउंटी इंस्पेक्टर? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. वॉट वॉज देयर इन हिज बॉक्स ऑफ टूल्स? द बॉक्स ऑफ टूल वॉज फिल्ड विद डायल्स एंड वायर्स. What did he give to Margie? उसने Margie को क्या दिया? An apple. Was he able to fix the mechanical teacher? क्या वो उस mechanical teacher को ठीक कर पाया था? Yes. He was able to fix the mechanical teacher. Which was the part most hated by Margie? The slot where she had to put homework and papers. In which language she has to write them? In its punch code. When she learned those punch code? When she was 6 years old. And who calculated the marks? The mechanical teacher calculated the marks. Ab bachcha fifth paragraph dekho. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Ab jab us county inspector ne apna karya samapt kar diya tha to uske baad mein jo hai wo muskuraya aur usne jo hai Margie ke sir par thapthapaya. Pat kiya usne. He said to her mother, it's not the little girl's fault. उसने उसकी माँ से कहा कि इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है. मिसिज जॉन, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. वो कहता है बच्ची की गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का लेवल जो है वो काफ़ी जो है तेज़ी पर, काफ़ी हाई स्पीड पर जो है सेट किया हुआ था. Those things happen sometime. ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं. I have slowed it up to an average 10-year level. और मैंने जो है इसको लगभग 10 साल के एवरेज लेवल पर जो है इसको, इसकी स्पीड को कम कर दिया. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और अगर देखा जाए तो आपकी बेटी की वास्तव में जो ओवरऑल जो इसकी प्रोग्रेस है वो जो है काफ़ी संतुष्टिजनक है. एंड ही पैटर्न Margie's head अगेन. और उसने फिर से जो है Margie के सिर को थपथपाया. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie जो है बेचारी थोड़ी उदास सी होती है क्योंकि उसको ये लग रहा था, वो ये आशा कर रही थी कि उसके टीचर को जो है हमेशा के लिए ले जाया जाएगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वो लोग जो है टॉमी के टीचर को ले गए थे लगभग पूरे एक महीने के लिए क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर पूरा ही ब्लैंक हो गया था. She said to Tommy, why would anyone write about school? वो अब टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है. अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, वॉट वॉज द प्रॉब्लम विद द ज्योग्राफी सेक्टर? द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. हाउ डिड ही स्लोड टू अप टू विच लेवल द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड अप द मैकेनिकल टीचर? कौन से लेवल तक उसने उसको स्लो अप कर दिया था? एवरेज 10 ईयर लेवल. हाउ वॉज द प्रोग्रेस ऑफ Margie? Quite satisfactory. Was Margie happy? No, she was disappointed. But she was hoping that they would take the teacher away altogether. Which sector of Tommy blanked out completely? It was history sector. चलिए next paragraph पे चलते हैं बच्चों. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब उसकी तरफ जो है टॉमी देखता है बड़ी सुपीरियर सी आंखें करके देखता है और कहता है कि हमारी तरह का स्कूल नहीं था बेवकूफ़, ये तो पुराने टाइप का स्कूल था जो कि कई सौ साल पहले हुआ करता था. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो. और फिर वो फिर से जो है बड़ी सुपीरियर सी तरीके से बोलता है कई शता मतलब सेंचुरी पहले था, सेंचुरीज एगो था यानी कि कई सौ साल पुराना था ये
250 साल पहले जो है इस तरह के स्कूल होते थे. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी के जो है उसको जो है बहुत हर्ट फील होता है, उसको आघात महसूस होता है. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि उस समय पे उन लोगों कैसे स्कूल होते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. और वो उसकी किताब जो है पढ़ती है उसके कंधों के ऊपर ला करके. एंड देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर. कहते हैं कोई बात नहीं उनका भी टीचर था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो कहता है हाँ उनका टीचर होता था लेकिन वो जो है रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक आदमी था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब वो पूछती है आदमी, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. वो कहता हाँ आदमी ही होता था, वो बच्चों को लड़कों और लड़कियों को काम देता था, उन्हें चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था. अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिड मार्गी नो द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स. नो शी डोंट नो. हाउ वॉज द टीचर इन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, इट वॉज अ मैन. हाउ वॉट डिड ही टीच, वॉट डिड ही डू. वो आदमी जो पुराने स्कूलों में टीचर होता था वो क्या करता था, वो लड़के लड़कियों को बताया करता था, उन्हें काम देता था और उनसे सवाल पूछता था. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. वो कहती है एक आदमी, अरे वो तो हद से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होगा. श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी जो हैं वो इतना ही जानते जितना एक टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. वो कहता है यकीनन जो है मैं शर्त लगाता हूँ वो तो उससे कुछ लगभग ज़्यादा भी जानते होंगे. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब मार्गी जो है उसके साथ जो है सहमति के लिए तैयार नहीं थी. शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी सा आदमी जो है मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. अब टॉमी जो है वो बहुत ज़ोर से ठाके मार के हंसता है. यू डोंट नो मच मार्गी. वो कहता तुम्हें ज़्यादा पता ही नहीं है. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. जो टीचर है वो घर में नहीं रहता. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनकी तो एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे. ऑल एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ सीखा करते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. और हाँ तब सीखते थे एक जैसा जब वो एक ही एज के होते थे. अब हु नोज एज मच एज अ टीचर. माई फादर, उसके पिताजी. ठीक है, वॉज मार्गी प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. नो, इसका आंसर हो जाएगा. विल शी अलाउ अ स्ट्रेंज मैन टू टीच हर इन हर हाउस. नो. वॉज द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर गो टू द हाउस ऑफ द स्टूडेंट. नो. Where did all the students go to study in a special kind of building? Who learned the same thing? The kids with same age learned the same thing. इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब वो कहती है कि मेरी मम्मा तो ये कहती हैं कि एक टीचर को जो है ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक लड़के और लड़की के दिमाग के अकॉर्डिंग जो है उसको ठीक कर, उसके दिमाग को ठीक करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाए. और हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से सीख सकता है तो उसको अलग अलग तरीके से ही सिखाने के लिए एडजस्ट करे. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो इस तरह तो वो पहले नहीं करते होंगे. If you don't like it, you don't have to read it. अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. Margie कहती है मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसको पसंद नहीं करती. She wanted to read about those funny schools. वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. अब आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी उन्होंने जब Margie की माँ ने पुकार लिया Margie school. Margie looked up not yet, mama. Margie ऊपर देख करके कहती है नहीं मम्मा, अभी नहीं मम्मा. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too.
वो कहती है अभी, उसकी मम्मी कहती है अभी, और यही समय जो है शायद से टॉमी के लिए भी था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से कहती है कि हाँ मैं इस किताब को जो है और ज़्यादा स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। अब यहाँ मम्मी जो है उसकी क्या कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, ये उसकी मम्मी का कहना है। फिर क्वेश्चन बनता है उसकी मम्मी किस चीज़ के लिए पुकारती है, स्कूल के लिए पुकारती हैं, किसका टाइम हो चुका है, और साथ में मार्गी के साथ साथ टॉमी का भी हो चुका है। क्या मार्गी की बुक ख़त्म हो गई थी रीड होने, बुक की रीडिंग फिनिश हो गई थी? नहीं, अभी रहती थी। नो इट वॉज लेफ्ट। नेक्स्ट में देखिए नाइन्थ पैराग्राफ में, मे बी ही सेड नॉन चैंटिंगली ही वॉक्ड अवे विस्लिंग एंड द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो उसे कहता है कि शायद, और वो सीटी बजाता हुआ जो है कमरे से निकल जाता है, और वो जो पुरानी धूल भरी बुक थी वो अपने बाजू के नीचे जो है बगल में जो है दबा के चल देता। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो है अपने स्कूल वाले कमरे में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बराबर में ही था। अब विस्लिंग कौन करता है, तो यहाँ पे नाम आएगा टॉमी का। अब मार्गी कहाँ जाती है, शी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वेयर वॉज हर स्कूल रूम, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। इसी पैराग्राफ को आगे देखिए, टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब वो जब कमरे में जाती है तो टीचर ऑन होता है और उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और इस समय पे डेली ही उसका टीचर ऑन रहता है सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि छोटी बच्चियाँ जो हैं वो और अच्छे से सीख लेती हैं जब उन्हें जो है रेगुलर आवर्स पे सिखाया जाए, नियमित घंटों में उन्हें सिखाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टॉमी टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्रीन जो है वो चमकने लगती है और उस पर लिखा हुआ होता है कि आज जो है अर्थमेटिक का लेसन है जिसमें आपको एडिशन सिखाया जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और आप जो है अपना कल का होमवर्क जो है प्रॉपर जो वो एरिया है जो स्लॉट है वहाँ पर फिल कर दें। तो यहाँ पर अब उस क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज वेटिंग फॉर मार्गी, हर मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर मार्गी। फिर वेन डिड शी हैज़ हर क्लासेज एट द सेम टाइम एवरी डे, ऑन विच टू डेज शी डिडेंट हैव एनी क्लास सैटरडे एंड संडे। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, नाउ विच लेसन वॉज गिवन टू हर, अर्थमेटिक लेसन, ऑन वॉट द अर्थमेटिक लेसन वॉज, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ बच्चों लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, मार्गी डिड सो विद अ साय, अब बेचारी एक आह सी भर के जो है वो काम करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, अब वो उन स्कूलों के बारे में, पुराने प्रकार के स्कूलों के बारे में सोच रही है। पढ़ तो वो मैकेनिकल टीचर से रही है पर दिमाग में उसके वही पुराने प्रकार के स्कूल चल रहे हैं जहाँ उसके दादा के दादा ने जो है सीखा होगा, पढ़ा होगा जब वो एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard. सारे बच्चे एक ही पड़ोस के जो हैं हंसते हुए शोर करते हुए स्कूल के जो प्रांगण में हैं वो आते थे। Sitting together in the school room में एक साथ बैठते थे। Going home together at the end of the day, स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ सब घर जाते थे। They learned the same things, वो एक साथ एक जैसी चीज़ें सीखते थे। So they could help one another on the homework and talk about it, ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सके और उसके बारे में बातचीत कर सके। And the teachers were people, और जो टीचर थे वो लोग थे, वो व्यक्ति थे, इंसान थे, मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को प्लस करते हैं, और मार्गी जो है सोच रही थी कि वो बच्चे उस समय पे पुराने दिनों में जो है स्कूलों से कितना प्यार करते होंगे, वहाँ स्कूल जाना उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में, उस मनोरंजन के बारे में, उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो उन लोगों ने उस समय पर महसूस किया होगा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, वॉट वॉज गोइंग ऑन इन हर माइंड, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स वर गोइंग ऑन इन हर माइंड, वॉट वर द एक्टिविटीज डन बाय द किड्स एट दैट टाइम, दे केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टूगेदर, गोइंग होम टूगेदर, लर्न द सेम थिंग, डिड दे हेल्प वन अनदर इन होमवर्क, यस दे हेल्प वन अनदर इन होमवर्क, एंड हाउ वर द टीचर, टीचर वर पीपल, एंड वॉट वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, एडिशन ऑफ
1/2 and 1/4 ये क्वेश्चन बन सकता है। और मार्गी को है वो स्कूल पसंद आते हैं ओल्ड डेज के, यस उसको पसंद आते हैं। और वो किस चीज़ के बारे में सोच रही है, वो सोच रही है द फन दे हैड एट दैट टाइम। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे, आपको जो है चैप्टर में से पैराग्राफ आएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पैराग्राफ में से छांट करके आपको लिखने हैं। चैप्टर वन मैंने आपको समझा दिया, इसी तरह आपको चैप्टर टू भी जो है बहुत बारीकी से पढ़ना है और सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वन के भी और टू के भी तैयार करने हैं। और पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, उससे भी मैं आपको एक पैराग्राफ दूंगी क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।